हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं अपना फर्स्ट व्लॉग शूट करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगा, और अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। आज मेरा व्लॉग बनाने का कोई प्लान नहीं था। मैं अपना फर्स्ट व्लॉग जो है बहुत ज़्यादा जो है मैं सोच समझ के अच्छे से बनाना चाह रही थी, लेकिन अभी भी मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अच्छे से बनाऊँ। तो भाभी घर जा रही थी तो भाभी ने मुझे काम कहा था कि आज मैं खाना देख लूँ, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं आज कढ़ी ही बना रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं वो आप लोगों के साथ अपना मेथड शेयर करूँगी। और साथ में मुझे और भी काम थे, तो मैंने इस वजह से आज जो है नहीं सोचा था कि मैं शूट करूँगी, लेकिन मैंने फिर कर लिया। और पता नहीं कैसा हुआ, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मेरा फर्स्ट व्लॉग बहुत अच्छा जाए। बाकी अब आप लोग मुझे देखकर बताएंगे कि मेरा व्लॉग कैसा रहा है। वेदर आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, तो मैंने सोचा था कि मैं जितने मैक्सिमम वॉश कर सकूँगी अपने कपड़े कर लूँगी, बाकी जो है मैं उठा कर रख दूँगी, क्योंकि फिर वो मैं बाद में कर लूँगी, क्योंकि फिर मुझे आज किचन में भी जाना था, फिर मैंने थोड़ी सी क्लीनिंग करनी थी, तो इस वजह से मैंने थोड़े से वॉश कर लिए थे। बट मुझे वेदर आज बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा था कि मैं आज इवनिंग में अगर मुझे टाइम मिला तो मैं टेरेस में आकर थोड़ी देर टाइम स्पेंड करूँगी। तो बस अब हम किचन में आ जाते हैं और कढ़ी की प्रेपरेशन शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो दही ली थी, जो मैंने 2-3 दिन पहले लेकर रखी हुई थी। उससे क्या होता है कि दही थोड़ी खट्टी हो जाती है और कढ़ी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है। तो यहाँ पर 1 किलो दही में मैंने 1.5 मग है ये, और इसमें 1.5 मग मैंने जो है बेसन ऐड कर लिया था, और उसके बाद मैंने ब्लेंड कर लिया था। ब्लेंड करने के बाद मैंने इसको एक पतीली में ले लिया था। उस पैन में लेने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। मिक्स किया था मैंने, ये जो ये हमारे पास मैदानी होती है इससे मैंने इसको मिक्स किया था। प्याज को मैंने पहले ही चॉप कर लिया था, और टमाटर और हरी मिर्च की मैंने प्यूरी एक तैयार की थी जो मैं कढ़ी में यूज़ करने वाली हूँ। और मैंने फिर एक पैन लिया, पैन में मैंने ऑयल डालकर फिर उसमें प्याज वगैरह भून लिए थे, और उसको अच्छे से जो है लाइट ब्राउन सा मैंने उसको टच दिया था। और उसके बाद मैंने उसमें अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड की थी। अदरक लहसुन की पेस्ट बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जो मैदा, ये मैदा होता है और बेसन होता है, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो नॉर्मली गैस करती हैं। तो अदरक लहसुन की पेस्ट जो होती है हम वो ऐड कर दें तो वो कुछ हद तक जो है उसका असर कम हो जाता है, तो इसलिए मैंने वो ऐड किया था। फिर मैंने उसको थोड़ा सा पका लिया था। आज एक बहुत मज़ेदार बात हुई थी कि सब कह रहे थे आज हम कढ़ी नहीं खाएंगे, आज कुछ और बनाओ। तो लेकिन भी मैंने कहा था कि अब यही वाली चीज़ सोची हुई है तो यही बना लेते हैं। तो जब मैंने वो बनाया और सबको इतना पसंद आया, नॉर्मली हमारे घर में रूटीन में कढ़ी बच जाती है, और आज जो है हमारे घर में कढ़ी कम पड़ गई थी, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा जो है पसंद आई थी। खैर, फिर जो टमाटर और हरी मिर्च की मैंने प्यूरी बनाई थी, प्यूरी उसमें मैंने ऐड कर दी थी। उसको मैंने 2 मिनट पकाया था, फिर मैंने इसमें मसाले ऐड कर लिए थे। 1 चम्मच मैंने इसमें सूखा धनिया जो पिसा हुआ होता है वो ऐड किया था। 2 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया था कि अगर मुझे ज़रूरत लगी तो मैं बाद में और ऐड कर लूँगी। और इसमें 2 चम्मच जो है टीस्पून जो होता है मैंने इसमें लाल मिर्च ऐड की थी। 1.5 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड की थी, हल्दी इसमें ज़्यादा डलती है। और जो होता है ज़ीरा, मैंने इसमें 1 बड़ा चम्मच ऐड किया था, जो हमारा चावल खाने वाला होता है, 1 टेबल स्पून वो मैंने इसमें ऐड किया था। और इसमें 1 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला पिसा हुआ ऐड कर दिया था। और फिर उसके बाद मैंने इसमें जो भी मटेरियल हमने तैयार किया था दही से और बेसन से, वो मैंने इसमें ऐड करके इसको काफ़ी देर बनाया पकाया था मैंने। आप लोग भी जब इसको बनाएंगे तो काफ़ी देर पकाना, ज़्यादा देर पकने से होता है कढ़ी, जितनी ज़्यादा देर पके ना उतना ही उसका अच्छा टेस्ट निकलता है। मटेरियल को अच्छे से मिक्स किया और मैंने इसको पकने के लिए रख दिया। और फिर मैंने एक दिन पहले की जो है जो कच्चे आम होते हैं वो मैंने मंगा के रखे हुए थे। मैं सोच रही थी कि जो चटनी बनती है ना आम की, मैं वो बना लेती हूँ, क्योंकि मैं हर साल बनाती हूँ, बना के मैं इसको स्टोर कर लेती हूँ। तो उसके लिए जो है मुझे कच्चे आमों को काटना था, तो मैंने उसके लिए मैंने भाभी को बोला कि मेरी हेल्प कर दें, तो उन्होंने आके मेरी हेल्प कर दी थी कटिंग में। और साथ साथ जो है यहाँ पर हम जो है जो औरतों की गॉसिप्स होती है ना, हम वो गॉसिप्स करने लग गए थे, और साथ साथ हमने काट लिया, हमें पता भी नहीं चला था कब टाइम गुजर गया।
फिर इसको कट करने के बाद मैंने इसको साइड पे रखा, तो इतनी देर में बच्चे स्कूल से आ गए थे। बच्चे स्कूल से आए तो फिर बच्चे आते साथ ही जो है वो चेंज कर रहे होते हैं, तो हमारा होता है कि हम सबसे पहले उन्हें डाइनिंग पे बिठा के खाना खिला दें। तो बच्चों की फरमाइश थी कि पुप्पो आज हमें आप बर्गर खिलाएं, तो फिर मैं बच्चों के लिए बर्गर वगैरह बनाने लगी। बर्गर बना के बच्चों को दिए हैं हमने, और फिर बच्चे आराम से बैठ के खा रहे थे। तो फिर इतने ही टाइम में मैंने सोचा कि मैं अपने दूसरे काम देख लेती हूँ। फिर मैं अपने दूसरे काम करने लगी, फिर मैंने सोचा कि मैं एक बार मशीन देख लूँ, ये ना हो कि कहीं बाहर बारिश हो रही हो और मुझे पता ही ना चले। फिर मैंने जाके देखा, बारिश तो नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने अपनी यहाँ पर मशीन को वाइंड अप कर दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि मैं नीचे किचन में काम कर रही हूँ और बारिश हो जाए, मुझे पता ही ना चले, इसलिए मैंने इस यहाँ पर इसको वाइंड अप कर दिया था। उफ, मेरी तो आज बहुत ही दौड़ें लगी हैं, कभी मैं ऊपर जा रही थी तो कभी मैं नीचे आ रही थी, क्योंकि खाना मैं नीचे बना रही थी और जो कपड़े मैं वॉश कर रही थी वो मैं ऊपर कर रही थी। खैर भी मैं नीचे आई, नीचे आकर भी मैंने सोचा मैं चटनी भी जो है पकने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि फिर ना रात में गैस चली जाती है तो फिर टाइम नहीं मिलता आपको, इतना कामों में पता भी नहीं चलता, बार बार तो हमें कुछ ना कुछ पकाना पड़ता है। फिर मैंने यहाँ पर जो है इसमें पैन में मैंने सारे जो हमने कट करके रखे थे कच्चे आम वो ऐड कर लिया। मैंने इसमें शुगर ऐड की थी, हम इसमें चाहें ना तो हम इसमें वो ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी हम यूज़ करना चाहें हम वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं वाइट शुगर यूज़ कर रही हूँ। और फिर मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया था, मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किए थे। बस ये सिंपल सी चीज़ें मैंने इसमें ऐड करके इसको पकने रख दिया था। जब ये थोड़ा पक गया था तो इसमें मैंने तीन चार हरी मिर्चें ऐड कर ली थी, और हरी मिर्चें ऐड करके फिर मैंने इसको जो है पका लिया था अच्छे से। हरी मिर्चें डालने के बाद भी इतना पकाया था कि हरी मिर्चें जो हैं वो बिल्कुल हल्का सा मैं उसे टच भी करी थी तो मिक्स हो रही थी, मैश हो रहा था, तो इतना ज़्यादा मैंने इसको पकाया था। ये बहुत मज़ेदार सी बनती है, हम अप टू 1 month इसको जो है हम स्टोर करके रख सकते हैं, तो मैं काफ़ी ज़्यादा सारी बना के स्टोर कर लेती हूँ। कढ़ी के पकोड़ों में ना मैं आलू और प्याज ज़्यादा सारे ऐड करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है और ये बहुत मज़ेदार लगते हैं। फिर मैं कटिंग वगैरह करने लग गई, जितनी देर मेरी कढ़ी भी पक रही थी मेरी चटनी भी पक रही थी तो मैं कटिंग वगैरह करने लग गई थी चीज़ों की। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर इसमें मसाले ऐड कर लिए थे, मसाले मैंने बहुत सिंपल से ऐड किए थे। मैंने इसमें जो है नमक ऐड किया था, मिर्च ऐड की थी, ज़ीरा ऐड किया था, अदरक लहसुन की पेस्ट मैं मस्ट ऐड करती हूँ पकौड़ों में, तो मैंने वो ऐड की थी, वही क्योंकि हम बेसन है ना तो बेसन में अदरक लहसुन की पेस्ट ज़रूर ऐड होनी चाहिए, तो वो मैंने ऐड कर ली थी। और उसके बाद जो है इसमें मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड की थी, आप लोग भी डाल के देखना है, बड़े मज़े की लगती है। और वो मैंने इतनी ही कसूरी मेथी जो है 1 tablespoon जिसे कहते हैं ना, वो मैंने कढ़ी में भी बाद में ऐड कर दी थी, क्योंकि मैं कढ़ी में और पकौड़ों में ये चीज़ें लाजमी डालती हूँ, इसका बहुत मज़ेदार सा टेस्ट होता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। खैर पकौड़े जो है पकौड़े मैं फ्राई नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ना फ्राइंग से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। मैंने बचपन में असल में अपने भाई को ना जलते हुए देखा था, तो उन पर इस तरह गर्म गर्म तेल गिर गया था, मेरी अम्मी काम कर रही थी तो उन पर ऑयल गिर गया था, तो मुझसे वो देखा नहीं जाता, देख मतलब यानी वो एक मेमोरी में जो हमारी चीज़ बैठ जाती है ना तो फिर वो निकलती नहीं है, जब चाइल्डहुड मेमोरी जो हो ना वो तो निकालना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। खैर फिर जो है मैं नहीं करती, मैंने फिर भाभी से कहा था कि भाभी मुझे कर देंगी, तो एक मेरी भाभी ने मुझे पकोड़े फ्राई कर दिए थे। पकोड़ों को मैंने पका कर पहले उनको मैंने बाहर रखा था, सेपरेट करके रखा था, मैंने उसे पका के ना फ़ौरन से कढ़ी में नहीं डालते पकोड़े, क्योंकि फिर कढ़ी जो है वो ड्राई हो जाती है, तो इसलिए मैंने पकोड़ों को पहले सेपरेट रख लिया था थोड़ी देर। फिर जब पकोड़े ठंडे हो गए थे मैंने उसके बाद उसको कढ़ी में ऐड कर दिया था, और जो है ना मैंने बिल्कुल जिसे कहते हैं 1 tablespoon जो होता है ना ऑयल लेके मैंने उसमें ज़ीरे का और जो साबुत लाल मिर्च होती है ना उसका मैंने तड़का लगाया। इतनी देर में मेरी चटनी भी हो गई थी तो मैंने चटनी को भी ब्लेंड करके मैंने उसे अलग से स्टोर कर लिया था। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, यही आप लोगों की तरफ से मेरे लिए प्यार होगा, सपोर्ट होगा। अल्लाह हाफिज़।